गोरखपुर जिले में शनिवार को पिछले 24 घंटे में 253 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 5,199 हो गई है। इस दौरान मंगलवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। अब तक 84 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,067 लोग अब तक स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं 1,583 लोग होम आइसोलेशन में हैं। ज़िले में इस वक्त कुल 2,465 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि आज पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र के 147 और ग्रामीण क्षेत्र के 81 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शाहपुर क्षेत्र के शाहपुर थाना क्षेत्र में 22, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 29, राजघाट थाना क्षेत्र में 3, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 13, कैंट थाना क्षेत्र में 32, कोतवाली थाना क्षेत्र में 29, रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में 4, चिलवाताल थाना क्षेत्र में 9, गुलरिया थाना क्षेत्र में 6 और ग्रामीण क्षेत्र में ब्रह्मपुर में 1, कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में 1, चरगावा में 7, गोला थाना क्षेत्र में 1, जंगल कौड़िया में 4, कौड़ीराम में 5, खजनी में 4, खोराबार थाना क्षेत्र में 7, पिपराई थाना क्षेत्र में 20, पिपरौली में 2, सहजनवा में 8, सरदारनगर में 9, उरवा थाना क्षेत्र में 1 और भटहट में 11 सहित अन्य जगहों पर 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना की जाँच कराई जाएगी, साथ ही जहाँ भी संक्रमित मिले हैं उस इलाके को सील करके सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।